अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी लोकेशन है वो है सादी गार्डन, और सादी गार्डन की आपने हमारे चैनल पे से पहले भी वीडियो देखी होगी। उस वक्त और अब की सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है, उस वक्त कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी या हुई थी, और अभी करंटली कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या हो रही है, वो इस हवाले से हम वीडियो बनाने के लिए आए। जब आपने इससे पहले वाली जब उसका हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे पहले वाली वीडियो का, जब आप वो देखेंगे तो उस वक्त का जो सादी गार्डन है, उस वक्त हार्डली 2 या 3 घर थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे या बने हुए थे। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि सादी गार्डन ब्लॉक 1 एक्सटेंशन में कुछ घर बने हुए थे और आबादी भी थी। और इस वक्त हम सादी गार्डन में खड़े हैं, इसमें ब्लॉक 1 तो पीछे की तरफ है, इस वक्त 3 और 5 और ये सारी लोकेशंस हैं और ये कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है। बहुत रैपिडली बड़ी स्पीड में कंस्ट्रक्शन चल रही है। हुक कनेक्शन के इलेक्ट्रिक की तरफ से अवेलेबल है, वाटर जो है वो वाटर लाइन मौजूद है, गैस का जो एक स्टैंडर्ड रूल है 30-35% की आबादी के बाद गैस आती है और उसके बाद ही स्वी गैस की लाइन ऑन होती हैं। ये आप स्ट्रीट साइज़ देख सकते हैं, 24 फीट स्ट्रीट साइज़ है और इस वक्त 120 स्क्वायर यार्ड्स लीज ट्रांसफ़र, कॉर्नर, वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन, जनरल, इन सब के मैं ओवरऑल आपको एक रेट का आइडिया देता हूँ कि 62 लाख से लेके ऑलमोस्ट 82 लाख तक की प्राइस जा रही है। इसमें वेस्ट ओपन भी हो सकता है, कॉर्नर भी है, बड़ी स्ट्रीट से मरा दिया है कि वो 60 फीट रोड फेसिंग का आ रहा हो तो वो प्लॉट की लोकेशन भी हो सकती है। तो ये जो ऑलमोस्ट 12 से 20 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक का जो गैप है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। हमारे इस गार्डन के ऊपर नक्शे की अप्रूवल जो है वो मिल चुकी हैं, मलिक कैंटोनमेंट के थ्रू इसका नक्शा अप्रूव होता है। आपने पहले तो सोसाइटी ऑफिस से नक्शे की अप्रूवल लेनी है, उसके बाद फिर जब सोसाइटी ऑफिस से अप्रूवल मिल जाती है फिर मलिक कैंटोनमेंट से अप्रूवल कर लेनी होती है। उसके जो भी चार्जेस हैं वो वहाँ से चालान जनरेट होता है, वो चालान जमा कराएं और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लीज प्रॉपर्टी है, जो कुछ लोग जो लोग कंप्लीशन प्लान अगर करवा देते हैं और उसके बाद वो सेल आउट करते हैं तो जो हजरात बैंक लोन के थ्रू परचेज़ करना चाहें उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंप्लीशन प्लान अगर मौजूद होता है जिन प्रॉपर्टीज़ का जो अवेलेबल फॉर सेल हो तो उस पर बैंक लोन भी अप्रूव हो जाता है। अब कोशिश करते हैं कि एक और साइड पर चलें जहाँ पर इस वक्त जैसे सामने मस्जिद है, मस्जिद वाली साइड आपको दिखाते हैं, वो स्ट्रीट्स दिखाते हैं और एक और व्यू हो जाएगा उस तरीके से। अब हम चलते हैं दूसरे साइड पे। ये मस्जिद आ गई, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मस्जिद अलहमदाबाद भी हो गई है। ये इसका एक छोटा सा पार्क आ गया, फैमिली पार्क है ये। ये इसका छोटा सा पार्क है इस ब्लॉक का, और ये दूसरी साइड जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आबाद हो चुके हैं, फैमिलीज आ के रहना शुरू हो चुकी हैं। सामने आपको एक और घर अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मस्जिद के साथ साथ। ये अच्छा, करीब में ही इनके कमर्शियल भी, जैसे सादी टाउन का और सादी गार्डन के में बीच में ऑलमोस्ट 200 फीट चौड़ा रोड आता है, उसका सिर्फ एक गैप है। फिर उस साइड पे अगर आप चले हैं तो सादी टाउन में तमाम कमर्शियल चीज़ें मौजूद हैं, हर बेसिक चीज़ जो एक मिलनी चाहिए वो अवेलेबल है, चाहे वो यूटिलिटी ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ड्राई क्लीनर, हेयर ड्रेसर, सर्विस स्टेशन, एक्स वाई जेड, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त वहाँ पे। इस शादी गार्डन से रिलेटेड, उसकी सेल परचेज से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, उस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको पूरी डिटेल जो है वो आपसे शेयर करेंगे। व्हाट्सएप पे भी आप रابطہ कर सकते हैं, टाइम उसमें मेंशन है, उस टाइम में कोशिश किया करेंगे, उस टाइम में अगर आप लोग रابطہ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।